तो मैं एक बार आख्या मेरे साउंड तो पर हो बस हो पहले तो सारे हजरात का इन्नी प्यार का इन्नी मुहब्बत का शुक्रिया अदा करना चाहना खास तौर पर जोड़े मेहरबान जो साथी उतों मोड़ तो चौक चो सू लैके आए उन्होंने शुक्रिया उस तो बाद एक हुज़ूर गौस पाक की जड़ा है मनकबत लगी हुई सी जी उन्होंने स्पीकर चलाई हुई सी और डैक से स्पीकर से जी एक मोटरसाइकिल आला ने वह मैं पहली बार सुनी है तो मैं बहुत पसंद आई मैं बड़ा उन्हें तो महसूस होया मेहरबानी कि उन्होंने मैं वो सुनने का मौका दिता उन्होंने जरिए सारे हजरात की पिंड वाले की जो सारे हजरात तशरीफ लैक प्यार मुहब्बत में लेंदे हुए बहुत खुशी होंगी है बहुत दिल में तस्कीन मिलती है तुहाडे प्यार से असी भी तुहाडे नाल उवें प्यार मुहब्बत करने हैं लेकिन यकीन उवें इजहार नहीं कर सकते ज्यादा लोग हो असी एक जने हाँ किनू किनू दसीए भी असी भी उन्नी मुहब्बत करने उन्ना ही प्यार है साढ़े दिल में अली सरकार की खिदमत किसी ने अर्ज की भी सही जड़ा है फलाना बंदा जड़ा है वो मैनू मैं उनके बारे जानना चाहना कि वह मैनू किवें समझदा या उन्होंने मैं किवें दा लगना तो आप फरमाया भी है तो बड़ा सौखा काम है तू आज दिल तू पुछ ले तेनू वो जिवें लगता उन्होंने भी तू उवें दा ही लगना इनका मतलब है भी तुम जितनी प्यार मुहब्बत करते हैं साढ़े दिल च भी तुहाडे वास्ते उन्ना ही प्यार करते एक दो एवं गुजारिशा करनिया ने तुहाडी खिदमत बहुत अहम ने जिंदगी दे विच मामलात चलाने वास्ते कि जिंदगी बहुत चीज़ों का आपां नूं पता चल जाता है बहुत चीज़ों का नहीं पता चलता जिंदगी एक ट्रैक ते चली हुई है गुजरती जाती है एक दिन खत्म भी हो जाती है लेकिन एक दो चीज़ा जिन्हों का पता चलना बहुत जरूरी है तो बदकिस्मती दे नाल वो दीन च भी है उन्हों का इखलाकी तौर पर भी बहुत उन्हों का मकाम है उन्हें मामलात का लेकिन बदकिस्मती नाल अपनी उन्हें मामलात तो आगाही नहीं हो सकी आपू वलिया ने तो खैर अजकल जमाने के औलिया कराम की उस तरह के जिन्ना हजरात ने इतने दीन की इशात की दीन इतने फैलाया उन्होंने उस तरह के लोगों की कमियां ने यह अजकल मेरे रंगे छोटे मोटे डिंगे चिबे पीर ने भी नहीं सही तरीके दसिया पैगाम पहुँचाया आलमा ने भी जिमें उन्हों का हक बनता सी उन्होंने उमें नहीं तुहाडी खिदमत की वो जिहड़ियां गुजारशात ने जिहड़ियां जरूरी सन वो ये सन के माँ बाप का लोग मैं हुण इत्थे तुहाडे तों पहले कमांदे एक जगह पर गया होया सी ते उत्थे ओह मैनूं की आई मामी माइयां बीबियां वह बहणा मिलियां ते ओह उत्थे एक बच्ची मैनूं मिली ते एक लड़का मिला वह बहन भाई सन वो बड़े रोन लग गए थे वो खैर मैं उन्होंने पूछा भी की मसला है उन्होंने मैंने दसिया कि जी उन्होंने इन्होंने दूसरिया उत्तर आते रहे उन्होंने कोई चाचिया कोई मासिया कोई फुफिया बैठिया सन वो दसन लग गई कि जी इन्होंने इन्हों की माँ के नाल मामलात सही नहीं गए तो इन्हों का बोलचाल जोड़ा है वह नहीं गा वो मैनू बड़ा अफसोस से बड़ा दिली तकलीफ हुई तो अगे भी मेरा यह फेवरेट मौजू है या मेरा यह टॉपिक यही होंगे कि बदकिस्मती आप नमाजी भी हो जाने हाजी भी हो जाने रोजे भी रख लें लेकिन अजे तिकर बदकिस्मती आप नहीं समझ आ सकी कि वालदैन का जिंदगी की मुकाम है तो उन्होंने की लैवल अल्लाह पाक ने बनाया होया तो माँ बाप की नौकरी करना तो उन्होंने गुलामी करना यह सारिया इबादतों तो सारिया रियाजतों तो सारे रोजिया तो सारे हजा तो अफजल है ये जितनिया नेकियां अल्लाह पाक ने दुनिया च बनाईया ने मेरे नज़दीक भी तो जो मैनू दीन की समझ आई है उनके हिसाब नाल भी सारी माँ बाप की गुलामी तो ही खत्म होंदिया ने जे माँ बाप की तुम नौकरी नहीं की तो मेरे वालिद साहब सरकार फरमाते होंगे सन कि जो माँ बाप का गुस्ताख है और रब का गुस्ताख है और रसूल का गुस्ताख है उनका कोई पीर मुरशद नहीं पीर मुरशद रब रसूल उनका ही है जिन्हें तो माँ बाप राजी ने उस तो बाद में सारिया इबादतों तो इबादतों का कोई फल है तो उन्होंने कोई सिला है अगर अपने माँ बाप ही अपने तो राजी नहीं गए तो फिर दुनिया के कीतियां गई कोई नेकियां जड़िया ने सारिया रायगा कर दी जा गल तुम सुना रहा कि उन्होंने मैंने दसिया कि जी माँ वालदा वालद इन्हों का फौत होया
खैर मैनू बड़ी तकलीफ हुई ते मैं ये दसना चाहना हाँ कि अगर तुहाडी मां तुहाडे ते नाराज है या तुहाडा वालिद तुहाडे ते नाराज है ते तुहानू ये यकीन हो इस पैगाम नू भी अगां भी फैलावो तो यकीन हो जाना चाहिए कि तुहाडा रब तुहाडे नाल नाराज है। जिन्हां दे मां बाप उन्हां ते रुस्से होए हुंदे ने ओह खा किन्नियां नेकियां कमा लैण, सारा कुछ रब दी राह च लुटा देण, एक लत ते खड़े होके इबादतां करन, जो मर्जी करदे रहन, हर रोज रोजा रखण, पूरा साल ही रोजा रखण, हर साल हज ते जाण, ते रब उन्हां नाल नाराज ही है। ये तयशुदा गल है। इस हकीकत नू इस कौम नू जानन दी जरूरत है। आपां नू एज ए मुसलमान इन्हां गल्लां दा नहीं पता, ये समझिए ते ये जाणिए ते दूजियां नू भी जिहड़े अपने जानन वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने उन्हां तिकर ये दीन दी जिहड़ी हकीकत है बहुत बड़ी ते अल्लाह दे रसूल दा हुक्म है ये पहुँचावीए। ते बल्कि इत्थे मैं हुण ही आया तुहाडी इत्थे पिंड च आंदे आपां कंधां ते गल्लां लिखदे छड़ने आ ते उन्हां ते अमल नहीं करदे। इत्थे दीवार ते किसे जगह लिखिया होया सी बल्कि कि वो शख्स जिहड़ा चाहुंदा है कि उनकी उम्र दराज होवे ते उनके रिज़्क़ च बरकत होवे, उन्हें चाहिए कि वह वालदैन की गुलामी करे ते उन्हां नाल सिला रहमी करे, उन्हां नाल मुहब्बत करे। पढ़िया होगा इत्थे तुहाडे ही कितने लिखिया सी जिहड़े जिहड़ा बाकी भी जिहड़ा चाहुंदा है कि उनका रब उनके ते राजी हो जाए, वह सब तो पहले आपके मां बाप को राजी करे। मां बाप अगर राजी नहीं होणगे तो रब तला राजी नहीं हो सकता आपां जो भी कर लईए। तो दूसरी अहम गल कि जिहड़ी कि अपने मुआशरे दे विच तर्क की जाती है तो अपना जो हुकूमत का निजाम चल रहा है उनके भी इस गल हूँ असी थोड़ी पुरानी करने सू 10-12 साल हो गए ने कहद्या, लेकिन हूँ सुनिया कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने उन्हें कुछ अमल किया है तो वो आइडिया अपना वेखो उन्होंने चोरी कर लिया। वो सलाह अपनी सी लेकिन चलो चंगी गल है उन्होंने उन्हें अमल दरामद करके लागू करता है। वह गल यह है कि अपने मुआशरे के जेडे खवातीन के जेडे औरतों के हकूक अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने अपने निजाम दे विच रखे ने, आपां उन्हां दी फरमा बरदारी ते ताबेदारी नहीं कर रहे हैं। जेडे खवातीन दे यार दो मिनट मेरे भाई बात कर लेना तुसी गल्लां मेरे गल मेरे आण दा मकसद मेरी गल नूं समझना है, जे तुसी ओही ना समझो सुणो तो फिर फायदा नहीं। आपां एक दूसरे तो कुछ सिख भी ना सके मेहरबानी। हुण दे विच गुजारिश इह है कि आपां अक्सर इह हुंदा है कि जिहड़ी जायदादां ने अल्लाह जिहड़ी तुहाडी मेरी जायदाद है या जिहड़ा अपना प्यार मुहब्बत है उहदे विच अल्लाह पाक ने अपनियां धीआं दा अपनियां भैणां दा मावां दा तां खैर मकाम ही हर चीज़ तों अलग है, लेकिन जिहड़ियां धीआं भैणां बीवियां उन्हां दा अल्लाह पाक ने अपने निज़ाम दे विच इक हक रख्या है। ते बदकिस्मती नाल आपां इक मैन डोमीनेटिंग सोसाइटी है जिहदे विच औरतां नूं उहनां दे जिहड़े ड्यू हकूक ने वो नहीं मिलते। तो मेरी तुहाडे सारे हज़रात नाल गुजारिश है कि आपां पुत्रां आदे आप नूं वड्डा बनाउण वास्ते भैणां नूं उहनां दा हिस्सा नहीं देंदे ते आदे पुत्रां नूं वड्डा बनाउण वास्ते अपनी बेटियां नूं उहनां दा हिस्सा नहीं देंदे। ते इवें बीवियां दे भी जिहड़े हकूक ने वह भी आपां पूरे सही तरीके दे नाल अदा नहीं करते, जिन्हां दी वजह तों अपना मुआशरा ते अपना दीन ते अपना मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा मेरे ख्याल दे विच। इस वास्ते तुहाडे सारे हज़रात नाल गुजारिश है कि जिहड़े भी बच्चियां दे हकूक होंदे ने जिहड़े भैणां दे हकूक होंदे ने बैणा दा हक मार के तुसी नहीं वड्डे बन सकते ते दियां दा हक मार के तुहाडे पुत्र कदे वड्डे नहीं बन सकते। इस वास्ते ये एक डक है ये खामोश डक है जिहड़ा तुसी ते मैं आदे घरां दे विच मारने आ जिहड़े अपने मर्द ने वह आदे घरां दे विच डाका इस तरह मारदे ने कि आदियां बैणां नूं हिस्सा नहीं देंदे जां आदियां बच्चियां नूं हिस्सा नहीं देंदे, जदादां विच उहनां नूं 4-2 बैड दे के एक सोफा दे के कोई तोला सोना कोई चांदी जिन्नी उन्हां नूं इन्ने च टाल देईदा है। हालांकि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने जिवें इह नमाज़ां रोज़े हजां ज़कातां दा हुक्म दित्ता है इन्हां दी ते हो सकदा है अल्लाह पाक माफ़ कर देवे, वह मुसब्बिबुल असबाब है ते माफ़ करन वाली ज़ात है ते रहमतुल आलमीन है, वह किसी भी छोटी तो छोटी जिहड़ी गल है जिहड़े उहदे हकूक ने उन्हां दी हो सकदा है माफ़ी दे देवे, लेकिन अगर तुसी ते मैं आदियां बच्चियां दा आदियां भैणां मावां दा हक खाता होया ते उहदी तुहानूं मैनूं माफ़ी नहीं मिलनी अगले जान भी नहीं मिलनी वह पुछगा छोनी है ते उहदे ते शदीद किस्म की लित्तर लित्तरबाजी होनी है तुहाडी साडी। इस वास्ते इहनू समझो इस हकीकत नू समझो ते इस गुनाह दे इस गलती दे सरजद होवण तों तुसी ते असी आपां बच जाइए। मैं ये चाहना अपनी खवातीन नाल अपनी बच्चियां नाल अपनी भैणां नाल मुहब्बत कीती करो
उन्होंने इज्जत दी करो। तो नबी पाक सरकार का इस हद तक फरमान है कि तुसी अगर घरों बाहर आवो बाहरों घर आवो तो अगर तुहाडे घर दे विच तुहाडे कुछ पुत्र भी ने तुहाडियां कुछ धीआं भी ने तो तुहानू यह हुक्म दिता गया है कि पहले अपनिया बच्चिया मिलो पहले उन्होंने प्यार करो। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਨੇ ਸੰਵਰ ਜਾਣ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ੍ਲਾਹ ਹੈਦਰੀ ਯਾਰੀ ਨਾਰਾ ਤਹਕੀਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੀਐਚਪੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਲਾ ਔਰ ਇਸਲਾਹਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਸਾਦਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਪੀਰ ਹੋਣ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਿਗਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਬਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਔਰ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਤਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد